वेलकम बैक फिर से एक नया वीडियो में। जब हम अपने इंस्टाग्राम ऐप को ओपन कर रहे हैं, लॉगिन करने जा रहे हैं, तो इस तरीके का एरर आ रहा है, क्योंकि आपको एरर देखने को मिल रहा है। देखिए इस एरर में लिखा हुआ क्या है, आपको देख रहे हैं, पेज इज नॉट अवेलेबल एट द मोमेंट। जो ये पेज है अभी के लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक नीचे की तरफ यहाँ बताया, दिस मे बी बिकॉज ऑफ टेक्निकल एरर दैट यू आर वर्किंग टू गेट फिक्सड। यहाँ पर टेक्निकल एरर के चलते ये प्रॉब्लम जो कि आ रहा है, इनकी टीम वर्क कर रही है इसे फिक्स करने के लिए। ट्राई रीलोडिंग दिस पेज, आपको ट्राई करना है, रीलोडिंग पेज करना है। यहाँ पर रिफ्रेश वाला आइकन पर आपको क्लिक करना है। रिफ्रेश वाला आइकन पर क्लिक करने के बाद नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, आइए आपको इस वीडियो में आपको बताते हैं। वीडियो अभी तक देखते रहिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आपको क्या करना है अब आपको बताते हैं। चलिए करने के बाद आपको करना क्या होगा, आपको अपने गूगल प्ले स्टोर ऐप को ओपन कर लेना होगा। ओपन करने के बाद आपको अपने गूगल प्ले स्टोर ऐप में सर्च करना होगा इंस्टाग्राम, यहाँ पर लिख कर आपको इसे सर्च करना होगा। इस इंस्टाग्राम लिखकर सर्च कीजिएगा। सर्च करने के बाद देखिए आपका इंस्टाग्राम का अपडेट आया हुआ है, तो सीधे से आपको करना क्या है, आप लोग अपने इंस्टाग्राम ऐप को अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने के बाद जाइए आप लोग चेक कीजिए, आपका लॉगिन हो जाएगा। अपडेट हो जाने के बाद आपको करना क्या होगा, आपको अपने इंस्टाग्राम ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको देखिए वो एरर जो कि नहीं आएगा, अब आपको सीधे सा बोलेगा यहाँ पर लॉगिन करने के लिए। पहले आपको ऐसा नहीं आ रहा था लेकिन अब आ रहा, तो आपको करना क्या होगा कि आप लोग अपने यूजर नेम, ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर जिसके भी तहत आप अपने अकाउंट बनाए होंगे, तो यहाँ पर आपको अपने डालिएगा यूजर नेम, ईमेल आईडी या फोन नंबर डाल दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर पासवर्ड डाल दीजिएगा। अगर आपको पासवर्ड नहीं मालूम है तो फॉरवर्ड पे क्लिक कर फॉरवर्ड आप लोग कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आप लोग अपने लॉगिन कर सकते हैं। जो आपका प्रॉब्लम आ रहा था वो प्रॉब्लम जो कि नहीं आता है, और आता है तो आपको क्या करना है, चलिए आपको वो भी बता देना। चलिए यहाँ से हम बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद आपको इंस्टाग्राम पर क्लिक कीजिएगा, एंड जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन का आइकन देखिए मिल रहा है ऐप इन्फो, इस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा। एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका ऐप इन्फो खुल जाएगा इंस्टाग्राम ऐप का। यहाँ पर नीचे तरफ आपको आना है और यहाँ पर लिखा हुआ देखिए यार आपको क्या, क्लियर डाटा नीचे की तरफ साइड में यहाँ पर देखिएगा, तो क्लियर डाटा इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको क्लियर डाटा नहीं करना है, यहाँ पर क्या आपको डिलीट करना है, यहाँ पर देखिए आपको देखने को मिल रहा होगा क्लियर कैचो, इस पे आपको क्लिक करना होगा। इस पे क्लिक करने के बाद देखिए आपसे बोल रहा है कि आप क्लियर कैचो डिलीट करना चाह रहे हैं, ओके पे हम लोग क्लिक करेंगे। आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा, जो ये प्रॉब्लम आपको आ रहा था पेज नॉट अवेलेबल एट द मोमेंट, ये जो आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा, आप लोग अपने इंस्टाग्राम में अकाउंट लॉगिन कर आप लोग यूज कर सकते हैं। जो भी आपको बताया है कि आप लोग ऐप को अपडेट कर लीजिए, क्लियर कैच हटा दीजिए इंस्टाग्राम ऐप का, और थर्ड क्या है कि आपका मोबाइल डाटा या वाईफाई इंटरनेट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, तभी आप इंस्टाग्राम ऐप को यूज कर पाएंगे। कुछ भी अगर एरर आता है तो नीचे आप जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत।